चलते हैं आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट रडार में। आज हमारे पास दो बड़ी कंपनीज जिनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो महिंद्रा हॉलीडेज के पास जाएंगे, उसके बाद मैसगांव डॉक, इसके मैनेजमेंट से बात करेंगे। हाल ही में इनके आईपीओ आया है और उस पर चर्चा करेंगे। पहले महिंद्रा हॉलीडेज पर फोकस कर लेते हैं। कॉर्पोरेट रडार में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा टूरिज्म सेक्टर की, और हमने देखा कि टूरिज्म का सबसे ज्यादा मार पड़ी है कोरोना के चलते, और अब आगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है। हमने देखा कि सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के रिवाइवल के लिए टास्क फोर्स भी बनाई है। ऐसे में अनलॉक 5.0 में कम क्षमता के साथ क्या टूरिज्म को शुरू करने से मिलेगी राहत। चलिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ महिंद्रा हॉलीडेज के कविंदर सिंह शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले आपसे अभी तक का जो रिस्पॉन्स रहा है टूरिज्म पर, जैसा हमने शुरू में ही बताया इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ है, बट महिंद्रा हॉलीडेज पर आप हमें जानकारी दे किस तरीके के पिछले महीने गए और अब आगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को जोड़ा वी न्यूज के साथ। और मैं ये बोलना चाहूंगा स्वाति कि अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें तो हर महीने हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और सितंबर का जो महीना है वो हमारे लिए बेटर रहा अगस्त से, अगस्त का महीना बेटर रहा जुलाई से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 15 जून से अपने रिजॉर्ट खोलने शुरू किए थे, अब हमारे पास 36 रिजॉर्ट हमारे खुल चुके हैं, और हम नोटिस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान और ये कर्नाटका में हमारे टूर के जो रिजॉर्ट हैं, इनमें हमको बहुत ही तेजी से अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ती दिख रही है। हमारे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं इन स्टेट्स में हमारी जो ऑक्यूपेंसी है 75 से 80% के बीच दिख रही है। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि वीकेंड में तो हम लोग पूरे सोल्ड आउट हैं, 100% तक भी जा रहे हैं। और इसका कारण मैं ये कहूंगा कि ये जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, इन्होंने एक समय के चलते इन्होंने जो पॉलिसी लाई जो हमारे मूवमेंट के लिए, जो हमारे टूरिस्ट के मूवमेंट के लिए, उसके चलते हमने ये देखा कि लोगों ने बुकिंग्स करी और एक्चुअल में भी आए। बट मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि हमारे बिजनेस मॉडल में हमारे पास मेंबर है 2.5 लाख के ऊपर, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने इस बार एक कैंपेन चलाया कि जी मिसेस सिंह थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो आपका ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या आप फिर से बता सकते हैं आप क्या कह रहे थे, नए कैंपेन की बात कर रहे हैं? मिसेस सिंह आप हमें सुन सकते हैं? ओके, टेक्निकल कुछ ग्लिच दिख रही है कनेक्ट। जी जी सर बताए। मैं रिपीट करूं अपनी बात को, अभी क्लियर है क्या मेरी आवाज? जी हाँ, कैंपेन की बात जो आप कह रहे थे वहां से बताइए। हाँ, मैं कह रहा था कि ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस का जो कैंपेन हमने चलाया है, इसका हमको काफी फायदा हुआ। डोर टू डोर सोल्यूशन जो हमने निकाली है, इसमें हमने ये कहा है कि अगर आपको सेल्फ ड्राइव करके जाना है, क्योंकि हमने ये देखा कि 90% लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं अपने रिजॉर्ट में, तो गाड़ी की सैनिटाइजेशन, आपको अगर अपना इंश्योरेंस कराना है ट्रैवल का या कोविड मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी हमने टाइप करके रखा है, जिसके चलते हमारे यहाँ पर हमारे मेंबर आ रहे हैं हमारे रिजॉर्ट पर। हमारे रिजॉर्ट में आके रखा हुआ है जिसमें कि हमने कॉन्टैक्टलेस चेकिंग चेकआउट कर दिया है, सारे एक्सपीरियंसेस कॉन्टैक्टलेस कर दिए हैं, ये भी डाइनिंग एक्सपीरियंसेस किए हैं, फिजिकली आप सर थोड़ी कनेक्टिविटी की इश्यूज लग रहे हैं, आपकी आवाज हमारे तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम ट्राई करते हैं फिर से कनेक्ट करने का आपसे, बट जिस तरह से आप कह रहे हैं आपको अब थोड़ी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से लोग आ रहे हैं और बुकिंग्स कर रहे हैं और आके रह भी रहे हैं रिसॉर्ट्स में जैसा आप बता रहे हैं। कुछ और भी हम बातें करना चाहेंगे आपसे, समझेंगे थोड़ा और आपकी इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई बातें, यूरोपियन सब्सिडियरी में किस तरीके का परफॉर्मेंस है और डिमांड रिकवरी है। हमारे अगर हम उनको फोन पे कनेक्ट कर पाएंगे तो भी ठीक है, कोशिश करेंगे मिस्टर सिंह से वापस जानने की महिंद्रा हॉलीडेज के क्या आगे के प्लान्स है। बट एक काम करते हैं, हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर, और ब्रेक के बाद हम वापस कनेक्ट करेंगे मैनेजमेंट से अगर बात होती है, और मासगांव डॉक के साथ भी बात होगी।
बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट यार। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे महिंद्रा हॉलीडेज से। मिस्टर सिंह हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, होपफुली बेटर कनेक्शन है इस बार। मिस्टर सिंह, मैं आपसे ये जान रही थी, आपने ऑफकोर्स डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में तो बताया किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस, यूरोपियन सब्सिडियरी पे इस वक्त किस तरीके की डिमांड रिकवरी दिख रही है और इंटरनेशनल बिजनेस ओवरऑल क्या ट्रेंड दिखा रहा है? ओके, तो एक्चुअली स्वाति, आपने बहुत सही बात उठाई है। हमारे पास एक इंटरनेशनल बिजनेस है जिसमें हमारे पास 33 रिजॉर्ट्स हैं, 25 रिजॉर्ट्स फिनलैंड में हैं, 2 हमारे स्वीडन में हैं और 6 हमारे स्पेन में हैं। तो जहां तक फिनलैंड के 25 रिजॉर्ट्स का सवाल है, वहां पर हमको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अभी हमने ये जून में रिजॉर्ट्स खोले थे, जुलाई में हमारी ऑक्यूपेंसी 91% के ऊपर चली गई है और फिनलैंड में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ही अच्छे से टेक ऑफ हो गया है। और वहां पर जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना के केसेस नहीं है, बहुत कम है, उसकी वजह से वहां पर बहुत ही अच्छा उछाल आया है हॉलीडेइंग के पैटर्न में जो हमने देखा है। स्वीडन में भी ठीक चल रहा है, स्पेन में जरूर हमारे सिर्फ 3 रिजॉर्ट्स खुले हैं 6 में से और स्पेन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, मगर स्पेन उतना बड़ा हमारे लिए बिजनेस नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो वहां पर ऑक्यूपेंसी 90% के ऊपर जा रही है, उनका सीजन भी था जुलाई अगस्त में, सितंबर में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स का जहां तक मेरा देखने का अगर मैं जिस तरीके से देखूं, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि हमारे इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी चल रही है 90% के ऊपर। ओके, 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी चल रही है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में। बट सर, जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी सब कंपनीज रीवर्क कर रही हैं कोविड के बाद, बहुत सारी चीजों पर दोबारा सोचा जा रहा है, आपकी कंपनी किस तरह से इसको अप्रोच कर रही है? अगर आपका केपेक्स अगले 2 साल के लिए क्या लाइनअप हो रहा है, किस तरीके के एक्सपेंशन पर आप सोचेंगे, वो रीवर्क स्ट्रेटजी क्या तैयार है और किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, एंड किस तरीके का कैपेक्स लाइंड अप कर रहे हैं और एक्सपेंशन प्लान को लेकर क्या योजना है? नहीं, ये स्वाति, इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में अगर हम लोग अपने बिजनेस को देख रहे हैं तो हमको एक बहुत ही अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि हमारे मेंबर्स छुट्टी जाने के लिए तैयार हैं और हमको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे कोरोना के थोड़े इंसिडेंसेस कम होंगे, हॉलीडेइंग सीजन आएगा, हमारे रिजॉर्ट्स वापस वही ऑक्यूपेंसी 80% प्लस ऑक्यूपेंसी पे चले जाएंगे सारे रिजॉर्ट्स। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अपना एक्सपेंशन प्लान जो है वो पूरा जारी रखा है। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गोवा में एक हमारा रिजॉर्ट है 200 कमरों का, उसमें से 150 कमरे ऑपरेशनल हो जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में, वो रिजॉर्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट होगा अपनी तरह के, अपने अलग तरीके का। दूसरा हमारा एक अष्टमुड़ी केरला में एक एक्सपेंशन चल रहा है, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें भी हमारी 33 यूनिट्स ऐड होंगी। और उसके ऊपर हम लोगों ने 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान बनाया है, जिसके चलते हम लोग 1200 से 1500 कमरे अगले 3 से 4 सालों में खड़े करने चाहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पास 3700 कमरे हैं इस समय और हम चाहेंगे कि ये 5000 के ऊपर चला जाए। और हम अपने मेंबर एडिशंस में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं डिस्पाइट कोरोना, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे ब्रांड की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सेफ्टी, हाइजीन, ट्रस्ट, उसमें हम लोगों ने बहुत, हमको एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सेफ्टी हाइजीन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सारे रिजॉर्ट्स ब्यूरो वेरिफाई सर्टिफाइड हैं एज कोविड से। तो हमको ये लग रहा है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान नॉर्मल चलेगा, बल्कि और एग्रेशन के साथ करेंगे हम लोग अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेंबर एडिशंस भी अच्छे दिखते हैं हमको आगे चलते हुए, और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ओवरऑल बिजनेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, क्योंकि ट्रस्ट की बहुत जरूरत है। और हमारे रिजॉर्ट्स में एक सबसे अच्छी चीज है कि हमारे रिजॉर्ट्स खुले हुए हैं और बड़े बड़े हमारी यूनिट्स हैं, तो जो कि आज की डिमांड है, और ड्राइवेबल डेस्टिनेशन भी है हमारे। ऑल राइट, तो डिमांड दिख रही है, उम्मीद कर रहे हैं, ड्राइवेबल डेस्टिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। शुक्रिया मिस्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे महिंद्रा हॉलीडेज के आगे के प्लान्स पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।